कि अगर कोई होम मिनिस्टर ये कहते हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो इंडिया में रायट्स हो जाएंगे, आप क्या बोलना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो एक नेशनल पार्टी है जिसकी 60 इयर्स 70 इयर्स की एक रूलिंग स्टैंडिंग थी, क्या पूरे वक्त रायट्स होते थे? और रायट्स कांग्रेस ने तो कभी नहीं कराए, कौन रायट्स कराता था ये हम सब जानते हैं। तो असली बात यह है कि बड़े लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों पे होते हैं उनको इस प्रकार की हेट स्पीच नहीं देनी चाहिए। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना इस पे नाराजगी भी व्यक्त की है। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वोल्ट का झटका, चुनाव प्रचार पे लगेगी रोक, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ पे कड़ी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार, कहा दंगा या दंगा भड़काने वालों के खिलाफ तत्काल हो FIR, अब चुनाव आयोग रोक लगाएगा। कर्नाटका में आपको बता दें राहुल गांधी के वकील ने तगड़ा फैसला ले लिया है। राहुल गांधी के सांसद और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर विवेक तन्खा ने बड़ा फैसला लिया है जिसमें गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के खिलाफ चुनाव आयोग रोक लगा सकता है। इस पूरे मामले में कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। कर्नाटका में हेट स्पीच के खिलाफ कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमीशन से मिला। पार्टी की सांसद विवेक तन्खा ने कहा है कि अगर कोई गृहमंत्री कहता है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर दंगे होंगे तो उसके कहने का क्या मतलब है? संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को नफरत फैलाने वाले भाषण नहीं देने चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हमने विशेष रूप से तीन लोग गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभ्यावेदन दिया है कि तत्काल उनकी चुनाव प्रचार पर उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जाए। इस पूरे मामले में जो है वो विवेक तन्खा ने जो बातें कही हैं वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन पहले बड़ा फैसला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दंगा भड़काने वालों के लोगों के खिलाफ तत्काल जो है वो स्वतः संज्ञान प्रदेश की पुलिस ले और स्वतः संज्ञान लेते हुए अपराध FIR दर्ज करे, और अगर FIR दर्ज नहीं करती है दंगाइयों के खिलाफ तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। इसी मुद्दे पर तन्खा ने कहा है कि हम चाहते हैं कि दंगा प्रवोक करने के लिए ये योगी हो चाहे फिर नड्डा हो या अमित शाह, तीनों जो है वो दंगा करा चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में तत्काल इनके चुनाव प्रचार पे रोक लगनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहना है कांग्रेस पार्टी के सांसद का। ऐसी बातें बोलेंगे जिससे देश पोलराइज होता है, या ऐसी बातें बोलेंगे जिससे देश में डिवीजन आता है या सोसाइटी में डिवीजन आता है, तो ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है ना उनके वोट के अनुरूप। हमने पॉइंट आउट किया कि अगर कोई होम मिनिस्टर ये कहते हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो इंडिया में रायट्स हो जाएंगे, आप क्या बोलना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो एक नेशनल पार्टी है जिसकी 60 इयर्स 70 इयर्स की एक रूलिंग स्टैंडिंग थी, क्या पूरे वक्त रायट्स होते थे? और रायट्स कांग्रेस ने तो कभी नहीं कराए, कौन रायट्स कराता था ये हम सब जानते हैं। तो असली बात यह है कि बड़े लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों पे होते हैं उनको इस प्रकार की हेट स्पीच नहीं देनी चाहिए। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना इस पे नाराजगी भी व्यक्त की है और पूरे देश में सब अधिकारियों को आदेश दिया है कि जहां भी हेट स्पीच होती है वहां FIR दर्ज करिए। हमने वो ऑर्डर्स की कॉपीज भी उनको दे दी है और हमने कहा है कि जिन जिन लोगों ने, और हमने स्पेसिफिकली तीन लोगों के अगेंस्ट आज अपनी रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, होम मिनिस्टर के अगेंस्ट दिया है, नड्डा साहब के अगेंस्ट दिया है और तीसरे योगी आदित्यनाथ जी के अगेंस्ट दिया है, कि इन लोगों ने अपने शब्दों से जो बातें बोली हैं वो हेट स्पीच की परिभाषा में आता है और इसलिए इलेक्शन कमीशन को इन टर्म्स ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, इन टर्म्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, इस पर एक्शन लेना चाहिए।